नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल पर। आज आपसे बात करूँगा, आज अर्थात 1 जुलाई को होने वाले एक फेसबुक लाइव के विषय में। चलचित्र में लगे हुए चित्र में लगे हुए छायाचित्र से आप परिचित ही होंगे। पूर्व में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुके हैं पूर्व में, और वर्तमान में अपने पद से रिटायर हैं। तो प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी का व्याख्यान है जीवंत भारत की संकल्पना नामक विषय पर, या कहें जीवंत भारत की संकल्पना, इस मुद्दे की समसामयिकता और इसके विभिन्न पहलुओं को आपके समक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे 1 जुलाई को शाम 6 बजे से। और सूचनाएं विषय की गंभीरता के विषय में और वक्ता की गंभीरता के विषय में, और साथ ही साथ कैसे हो सकते हैं शामिल, और कोई समस्या हो, कोई अड़चन हो, उसके लिए समाधान के लिए आपका कमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन आप क्यों हो शामिल इसमें, पहला सवाल ये उठता होगा आपके अंदर, और हम क्यों सुने वक्ता को, दूसरा सवाल ये भी उठता होगा, और तीसरा सवाल आपके समक्ष होगा कि देश दुनिया में इतनी तमाम समस्याएं चल रही हैं, मेक इन इंडिया चल रहा है, मेड इन इंडिया चल रहा है, चाइना गो बैक चल रहा है, जवान सेना पर मर रहे हैं, हमारी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, नौकरी की समस्याएं हैं, और हम इस फेसबुक लाइव को सुनेंगे कि जीवंत भारत की संकल्पना का एक व्याख्यान होने वाला है। बिल्कुल सवाल उठने चाहिए आप सभी के अंतर्गत। मेरे दोस्तों साथियों, मैं अपना वीडियो व्याख्यान के साथ शुरू कर चुका हूँ। प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र, समाजशास्त्र हो या दर्शन शास्त्र हो या मनोविज्ञान हो, जी हाँ, समाजशास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो या मनोविज्ञान हो, साहित्य हो या सोशल साइंस हो, या शोध हो, अन्वेषण हो, गवेषण हो, अनुसंधान हो, रिसर्च हो, इन सभी विशेषज्ञों के विशेषज्ञता प्राप्त किए हुए और सभी विषयों पर अपनी मर्मज्ञता के साथ साथ एकाधिकार रखने वाले ऐसे वक्ता हैं प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी। आप कहेंगे कि मैं वक्ता के विषय में इतना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वक्ता से मैंने पढ़ा है, वक्ता को पढ़ा है, वक्ता की किताबें पढ़ी हैं, वक्ता के आर्टिकल पढ़े हैं और वक्ता के कई लेख पढ़े हैं। हफ्ते में 1 से 2 लेख प्रत्येक कहीं ना कहीं छपते ही हैं। कल भी गुरुवर का एक लेख प्रकाशित हुआ है। यदि आप गुरुवर के फेसबुक पेज पर जाएंगे, किनके, गिरीश्वर मिश्र जी के फेसबुक पेज पर जाएंगे, तो उस पर आप पाएंगे कि आपको एक और लेख मिलेगा उनके पेज पर लगा हुआ, जो कि प्रकाशित हुआ है और कल प्रकाशित हुआ है, सेहतमंद रहने के लिए स्वास्थ्य मानसिकता, कि आपके शरीर का हार्डवेयर बेहतर है ये लोग देखते हैं, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर, आपके शरीर के अंदर की बनावट, गुनावट, यानी कि आपकी मानसिकता जितनी मजबूत होगी, आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर उतना ही मजबूत होगा, और इस मजबूती को सुदृढ़ बनाने के साथ ही आप अपना, समाज का, देश का और विश्व का विकास और उन्नति कर सकते हैं। तो जीवंत भारत की बात कर रहे हैं विषय में, कि जीवंत भारत क्या होता है। शरीर से जीवित रहने वाला, रोज़ 2 वक्त की रोटी और 24 घंटे सांस लेने वाला ही व्यक्ति जीवित नहीं कहलाया जाता है, इस बात को आप समझ लीजिए। और इस फेसबुक लाइव को करवा कौन रहा है, इस फेसबुक लाइव को करवा रहा है ज्ञान भूमि। जी हाँ, ज्ञान भूमि के फेसबुक पेज का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है। ज्ञान भूमि के फेसबुक पेज पर आप जाइए और देखिए किस किस प्रकार के लेक्चर उन्होंने आयोजित करवाए हैं, और वक्ता की योग्यताओं को देखिए आप, क्योंकि ऐसे समसामयिक, ऐसे कंटेम्प्रेरी विषयों को लेकर इस वर्तमान दौर में, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट अर्थात संघर्षों का दौर चल रहा है, एक दूसरे के निजहित आज टकरा रहे हैं, सत्ताएं हों, सरकारें हों, पॉलिसी मेकर्स हों, या फाइनेंस कंपनियां हो, या विश्व की बहुत बड़ी बड़ी नाम चंद कंपनियां हों, व्यक्ति हों, अपने अपने निजी स्वार्थों को, हित को लिए एक दूसरे को लांघते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उस कड़ी में और उन सब को मद्देनजर रखते हुए आपको अपने जीवंत भारत के और अपने जीवित रहने के प्रमाण देने होंगे और साबित भी करना होगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला यकीन पर। और किसी ने ये भी कहा है, कौन कहता है कि पत्थर से सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। किसी ने ये भी कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत चातरे सिल पर परत निशान। तो बहुत सी लोककृतियाँ हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से नीति परक श्लोक हैं और बहुत से दोहे हैं, बहुत से विद्वान हैं, लेकिन वो हो चुके हैं, याद रखिएगा, वो हो चुके हैं और आप और मैं हो रहे हैं।
और हमारे बाद या हमसे पूर्व के जैसे लोग थे, हमको कैसा भारत बनाना है ये हमको आज तय करना होगा। हमको अपने जैसी पीढ़ी अपने बाद छोड़कर जानी है, या जो हमसे पूर्व की पीढ़ियाँ थी जिनके नाम पर हम आज भी खा रहे हैं, बैठकर और मौज उड़ा रहे हैं, वैसी पीढ़ी हमको तैयार करनी है। सूर तुलसी को तैयार करना है, कबीर नानक को तैयार करना है, भगत सिंह गुरुदेव को या तैयार करना है, अब्दुल कलाम गांधी को या मालवीय जी को तैयार करना है, या बुद्ध को तैयार करना है। हमको कैसी पीढ़ी तैयार करनी है ये हमको वर्तमान में तय करना होगा। और इन सभी के लिए जैसा कि मैंने कहा कि आपकी संकल्पना, आपकी हाइपोथीसिस क्या है, और उस हाइपोथीसिस का निर्माण आप तभी कर सकते हैं जब आप मानसिक तौर पे ज़्यादा सशक्त होंगे, ज़्यादा मजबूत होंगे। तो ज्ञान भूमि के द्वारा आयोजित इस फेसबुक लाइव को जरूर से ज़रूर सुने, जो कि 1 जुलाई शाम को 6 बजे होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको दे दिया है कि कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको कोई समस्या आती है, कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि समस्या आती है तो मुझे कॉल मत करिएगा, मेल मत करिएगा, और जो लिंक दिया है पहले वहीं जाके संपर्क करिएगा। यदि लिंक ओपन नहीं होता है, कोई समस्या होती है, तब आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। सुनिए प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र को और इस जीवंत भारत की संकल्पना में, और आप किसे जीवंत मानते हैं। जीवित और जीवंत दो शब्द हैं, और संकल्पना और कल्पना भी दो शब्द हैं। और बात है भारत, भारत आप से मेरे से ही नहीं बनता है, भारत उस प्रकृति के सभी जीव जंतुओं से, सभी संस्कृतियों से, सभी दृष्टिकोणों का नाम है। भारत केवल एक भाषा नहीं है, भारत केवल एक धर्म नहीं है, भारत केवल एक विचार नहीं है। भारत हम कह सकते हैं जीवंत संस्कृतियाँ, जीवंत भाषाएं और जीवंत विचार, और उन जीवंत विचारों, भाषाओं, संस्कृतियों की एक धारणाएं, मैंने धारणाएं शब्द का इस्तेमाल किया है, धारणा इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि भारत कभी एकलता में विश्वास नहीं करता है। भारत हमेशा से सनातनी परंपरा से बहुत की बात करता है, विविध की बात करता है, इसलिए एकता में अनेकता और बहुभाषिकता, बहुधार्मिकता की बात करता है। तो उस भारत की संकल्पना में आप कहाँ हैं, अपना क्या योगदान दे सकते हैं, उस चीज़ को जानने समझने के उद्देश्य से यह फेसबुक लाइव करवाया जा रहा है। मुझसे आप जितना जान सकते थे मैंने जानने का प्रयास किया, क्योंकि मैंने विषय पर इसीलिए ज़्यादा फोकस किया क्योंकि मेरे दर्शक, मेरे श्रोता लोग, मेरे जानकार, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, मेरे चाहने वाले जब तक विषय को गंभीरता से नहीं समझ पाएंगे, विषय के प्रति उनका लगाव नहीं होगा, तो वक्ता चाहे कितने ही अच्छे बुला लें आपके समक्ष, यदि विषय की समझ नहीं होगी, क्योंकि हाउस ऑफ लंदन में कई छात्रों ने कुछ वर्ष पूर्व महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया, लेकिन कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, एक कोर्ट ने उनको सजा दी, लेकिन बच्चों ने सजा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं, हमने कोई अपराध नहीं किया है, गांधी की प्रतिमा तोड़ दी। तो जज ने कहा कि नहीं, आपने गांधी की प्रतिमा को तोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है। तो बच्चों ने जवाब किया कि हम कैसे माने गांधी बड़े महान थे। ये सही बात है, आप जब तक पीढ़ी को, जब तक समाज को, जब तक समाज के हर वर्ग को ये नहीं बताओगे क्या सही है, कौन व्यक्ति सही है, कौन सी नीति, कौन सी धारा, कौन सी धारणाएं सही है, तब तक वह सही गलत का फर्क नहीं जानेंगे। तो कोर्ट ने उनको सजा दी लेकिन स्वीकार नहीं की, क्योंकि उन बच्चों ने तब तक गांधी को नहीं पढ़ा था, और गांधी को पढ़ने के बाद उन बच्चों ने चंदा इकट्ठा किया और गांधी की प्रतिमा दोबारा स्थापित की। ये वही बात है, इसीलिए जब तक विषय की रुचि नहीं होगी आपके अंदर, और विषय की रुचि के अनुकूल आपके अंदर वो झिलमिलाहट, वो उकलाहट, वो अभिलाषा और वो जिज्ञासाएं नहीं होंगी, तब तक आप विषय को गंभीरता से ना ही ग्रहण कर पाएंगे, ना ही वक्ता को अपने कानों से, अपनी आंखों से सुन पाएंगे। मैं इसे कान मानता हूँ, इसे आंख मानता हूँ, ये मस्तिष्क तो खाली है, क्योंकि जो ये देखता है और जो ये सुनता है वही यहाँ स्टोर होता है। इसलिए आपको यहाँ क्या स्टोर करना है, इन कानों से क्या बाहर निकाल देना है, ये आपको तय करना है। विषय और विशेषज्ञता और वक्ता, तीनों के विषय मैंने आपको बतलाने का थोड़ा थोड़ा प्रयास किया। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दें, मेरे चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया दें,
मुझ पर अपनी प्रतिक्रिया दें और इस लाइव को सुनने के बाद अगले दिन अर्थात 2 जुलाई को इस वक्तव्य और वक्ता पर भी अपनी प्रतिक्रिया मुझे भेजें कि मैं आने वाले समय में अच्छे से अच्छा सुधार करके आपके समक्ष वीडियो लाऊं और अच्छे अच्छे सेमिनार, वर्कशॉप, एडमिशन, फेलोशिप, स्कॉलरशिप के विषय में आपके समक्ष वीडियो लेकर आऊँ। अगले 2 से 3 दिनों में आपको 2 इंटरनेशनली स्कॉलरशिप के विषय में बताऊँगा, जो कि एक एमए के बच्चों के लिए है, एक एमफिल पीएचडी के बच्चों के लिए है और एक सोशल साइंस के बच्चों के लिए है। अभी उसकी डेट्स है, कैसे भरनी है, कहाँ से भरनी है, कितना पैसा है, सब बताऊँगा। हिंदी माध्यम से हो, अंग्रेजी माध्यम से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, भारत किसी भी राज्य से हो, किसी भी जेंडर के हो, सब कर सकते हैं अप्लाई। अभी लगभग 2 हफ्ते हैं उस फॉर्म को भरने में, 2 दिन का वेट करिए। वीडियो तैयार करने में 2 दिन लगते हैं कम से कम एडिटिंग के साथ, क्योंकि एक फ़ोन से सब कुछ करना संभव नहीं होता है। बिना कैमरे के, बिना लैपटॉप पीसी के ये वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। थोड़ी बहुत कमी रहे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं सुधार कर चुकूँ। सुनिए इस फेसबुक लाइव को जीवंत भारत की संकल्पना में ज्ञान भूमि के फेसबुक पेज पर प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र को 1 जुलाई शाम 6 बजे से। उम्मीद करता हूँ आप सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज करेंगे और उम्मीद करता हूँ वक्ता से सवाल ज़रूर करें, क्योंकि 1-वे लेक्चर नहीं है, ये 2-वे लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ वक्ता अगर 1 घंटा बोलता है तो कम से कम 10 से 20 सवाल जरूर पूछें कि उस लेक्चर का आधा समय आपको सवालों में मिले, क्योंकि ये सवाल ही हैं जो आपकी गंभीरता का प्रमाण पत्र हैं। यदि आपने लेक्चर को गंभीरता से सुना है तभी आप सवाल कर पाएंगे। जो अध्ययन करता है जिज्ञासाएँ उसी में होती हैं, और जो अध्यापन करता है वह उम्मीद भी करता है कि उसके छात्र, उसके स्टूडेंट उससे सवाल करें। तो वक्ता और श्रोता दोनों ही एक दूसरे से सवाल जवाब करें तो इस फेसबुक लाइव का उद्देश्य और इसकी प्रासंगिकता सफल हो जाएगी। आप जीवंत भारत में रह रहे हैं इसका प्रमाण है कि सवाल करें और वक्ता उसका जवाब दें। कैसी रही वीडियो, कैसा रहा वक्तव्य, कैसा रहा मेरा बोलने का तरीका, सभी कुछ मुझे बताएं। प्रतिक्रिया के रूप में वीडियो करता हूं समाप्त। चना खाते रहिए, आपको दे दिया है मोदी सरकार ने चना, और क्यों दिया है भविष्य में कभी बताएंगे, लेकिन FCI के गोडाउन में इतना चना अभी मौजूद नहीं है कि 20 करोड़ परिवार और 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जा सके। यह थी वीडियो से इधर की बात, एक छोटा सा मैसेज थोड़ा अर्थशास्त्र के और राजनीति के क्षेत्र में जो चुनाव के दौर में आपके समक्ष छोड़ दिए गए हैं, आप इसको स्वीकार करें या त्याग दें, दोनों फैसले आपके हैं। करता हूँ वीडियो समाप्त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।